फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पैरामीटर किसका, स्क्वायर का। उसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है, राइट? स्क्वायर आपका होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। जितनी ये जितनी बड़ी ये साइड है, इतनी ही बड़ी ये भी होगी, इतनी ही बड़ी ये साइड होगी और इतनी ही बड़ी ये वाली साइड भी होगी। क्लियर है? तो ये हो गया स्क्वायर। उसने एक साइड दी है उसकी 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 है तो ये भी कितनी होगी, 14, ये भी 14 और ये भी 14। ओके, हमें फाइंड करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, आपको अगर याद हो, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, तो क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? हम लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। जब भी हमें क्वेश्चन में बोले कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इंटू साइड। इतना क्लियर है? अब 4 को तो 4 ही लिखेंगे, साइड हमारे पास क्या है, 14 सेंटीमीटर। उसी ने बोला कि 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, बस इतना ही था, बहुत सिंपल है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर बी भी है इसका, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 12 एंड 14 मीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसने बोला है रेक्टेंगल की साइड 12 और 14, तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 14। ओके, मीटर, मीटर में बात चल रही है इसमें। ओके, ये क्लियर हुआ? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 (l + b) 2 × l + b, इसको पढ़ते हैं। क्लियर? 2 को एज इट इज़ रख देना है। लेंथ, इसमें लेंथ होती है ये वाली और ब्रेथ होती है ये वाली। ओके, लेंथ होती है ये वाली, ब्रेथ होती है ये वाली। तो लेंथ है 14 और ब्रेथ है 12। एल मीन्स लेंथ, जो कि 14 थी, और ये था ब्रेथ, मीन्स 12 मीटर। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जब हम ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, प्लस है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 1 और 1 2, 26 मीटर हो गया। इन ये ब्रैकेट में है और ये 2 बाहर है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है या कोई भी साइन नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं है, तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। तो 2 और 26 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्लोज्ड शेप मेड विद लाइन सेगमेंट इज, कि जो एक क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब जैसी ये शेप थी, क्लोज्ड कहीं से खुली भी नहीं थी, है ना, क्लोज थी। तो जो क्लोज शेप होती हैं लाइन सेगमेंट से, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन बनाती हैं वो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी है, अ पॉलीगन विद 4 इक्वल साइड्स, कि एक क्लोज शेप जिसकी 4 इक्वल साइड्स होंगी। अभी हमने पढ़ा था 4 इक्वल साइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्क्वायर, है ना। स्क्वायर की 4 साइड्स थी जो कि एक दूसरे के बिल्कुल सेम थी। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़, कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है, वो होता है जब हम 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम बोले कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। क्लियर? नेक्स्ट है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज, कि
देखो क्या होता है, ये सर्कल है, इसने बोला अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, की जब एक लाइन सेगमेंट दो दो पॉइंट्स को जॉइन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ओके, फिफ्थ ई पार्ट है, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन द रेडियस इज, इसने बोला कि डायमीटर मींस ये, जब हम इस वाले पॉइंट से इस वाले टच कर रहा है, अगर वो 16 है तो उसका रेडियस कितना होगा, तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस इतना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक टच करेगा तो डायमीटर है, अगर वो आधे में टच करेगा सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, सेंटर से लेकर इधर कहीं भी टच करेगा, इधर इधर इधर, वो हो जाएगा उसका रेडियस, मतलब डायमीटर का आधा होता है हमेशा रेडियस। तो इसने बोला कि अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस कितना होगा, तो 16 का आधा हो जाएगा, राइट, 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.3 सेंटीमीटर, आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, कुछ ऐसी होती है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी होती है लाइन सेगमेंट, इसको आपको कितना सेंटीमीटर का बनाना है, 4.3 का, 4.3 का बनाना है, क्लियर। लास्ट है, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा, इसने क्या दिया, रेडियस दिया है, रेडियस ये वाला वो दिया है उसने 5, और डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है इसका डबल, तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका डायमीटर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको पैसे में दिया है और आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 200 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 2 रुपीज़ होते हैं, 590 पैसे में कितने रुपीज़ और कितने पैसे, 5 रुपीज़ और 90 पैसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको 1/3 ऑफ 21 फाइंड करना है, तो यहाँ से कट जाएगा, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21 होता है, राइट, यहाँ 1 आ गया तो ये तो कट गया, क्या क्या बचा है, 1 और 7 बचा है, तो 1 7 7। ओके, ऑफ का हमेशा मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का हमेशा मतलब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे ही आपको बी पार्ट भी कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपको रोमन नंबर में लिखना है इसको, बहुत ईजी है ये, आप अपने आप करेंगे इसको। ओके, इतना काम आज आप नोटबुक में कर लीजिएगा अपनी।